आज सबसे बड़ा नेपाल राष्ट्र को एक अवसर मिला है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस मातृशक्ति के कारण हिंदुस्तान 136 विकासशील देशों में सम्मिलित हो चुका आज़ादी के बाद, ऐसे मातृशक्ति के बीच आशीर्वाद लेने के लिए जो मुझे अवसर मिला यहाँ पे और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा जो आयोजन किया गया, राष्ट्रीय समता स्वतंत्र मंच द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो सम्मान किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर पर आप सभी का पुनः आत्मीयता से हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं माननीय न्यायमूर्ति परमानंद झा साहब, जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नेपाल के रह रहे हैं, और वर्तमान में जो हमारे नेपाल के उपराष्ट्रपति महोदय हैं जिनका मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ, नंद बहादुर पल साहब, और पूरे नेपाल राष्ट्र की ओर से मैं पुनः आप सबका इस बार तहे दिल से इस पवित्र दिवस पर, इस मातृशक्ति दिवस पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा एक संगोष्ठी का जो आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है, आज विशेष जो हमें देश चुना है महिला दिवस और मातृशक्ति को जो हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा जो मिशन है, हमारा जो उद्देश्य ये रहा है, आज आप लोगों को पूरे इंडिया से केवल 50 प्रतिमाओं को हम लोगों ने विशेष आमंत्रित किया है, 75 प्रतिमाओं को हमने विशेष निमंत्रण पत्र भेजे थे, जिसमें से करीब करीब सभी प्रतिमाएँ हमारा आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ हमारे बीच पधार चुकी हैं। तो हमने जब रिसर्च किया 170 देशों में जो हमारे कैंपेन चल रहा है, उसमें हमने देखा कि भारत विकासशील देशों में कैसे सम्मिलित हुआ, तो हमने पाया कि हर मिशन के पीछे, एक सफलता के पीछे एक मातृशक्ति होती है, एक पवित्र भावना होती है और एक अद्भुत शक्ति होती है। तो क्यों ना हम लोग 8 मार्च को ऐसा दिवस चुने जिसमें हम लोगों का जो मिशन है उसको सफलता के और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मातृशक्ति का हम लोग नैतिक समर्थन दें, इसलिए हम लोग आज विशेष दिन चुना है और केवल 50 महिलाओं को, विभिन्न क्षेत्रों की जो महिलाएँ हैं उनको हमने विशेष आमंत्रित किया है। आज इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच है, पिछले 35 सालों से एक एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, सोशल, इस पे हम लोग समाज के साथ मिलकर एक काम कर रहे हैं, रचनात्मक काम कर रहे हैं और विभिन्न जो क्षेत्र की जो सम्मानीय प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देकर उनके जो अचीवमेंट है उन अचीवमेंट को हम लोग एक प्रेरित के रूप में हम लोग बाहर विदेशों में हम लोग लेके जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी प्रतिभाएँ हैं, नेपाल में ऐसी ऐसी प्रतिभाएँ हैं जिनके कारण आज जो भारत है और जो नेपाल है इनके जो बहुआयामी जो संबंध है वो बरकरार है। सबसे पहले मैं आज आपसे जो चर्चा करना चाहूँगा वो ये है कि भारत और नेपाल की वैदिककालीन संस्कृति का पुनरुत्थान। देखिए, भारत और नेपाल राष्ट्र दो है लेकिन आत्मा एक है और ये हमारे जो संबंध है, भारत और नेपाल के जो संबंध है ये बहुआयामी संबंध है। जब सृष्टि की रचना हुई थी, महाभारत लिखा गया था, रामायण लिखी गई थी, तब से हमारा रोटी और बेटी का हमारा एक संबंध है। तो इसलिए हमारा जो भारत और नेपाल के जो संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, एजुकेशन जो संबंध है, ये हमारे बहुआयामी संबंध है और उस संबंध को कोई भी राष्ट्र, कोई भी शक्ति हमको दूर नहीं कर सकती। तो हम पूरे वर्ल्ड में जा रहे हैं, 2010 से हम लोगों ने एक कैंपेन चला रखा है और 2010 से मैं वहाँ के नेपाल के उपराष्ट्रपति महोदय के एक सांस्कृतिक कल्चर के रूप में मैं सलाहकार के रूप में काम कर रहा हूँ और 193 जो हमारे लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि भारत और नेपाल की वैदिककालीन संस्कृति का पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिककालीन जगत गुरु के आसन पर प्रतिष्ठापित हो और दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश जो भारत है इसको सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ परमानेंट सीट मिले। मैं सबसे पहले जो चर्चा करूंगा वो हमारे जो बहुआयामी संबंध है उस पर करूँगा, क्योंकि आजकल जहां भी हम लोग जाते हैं, नेपाल का जहां प्रतिनिधि करते हैं, तो हमारे सामने भी बहुत अच्छा प्रश्न आ जाता है और सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि नेपाल किसी अन्य राष्ट्र की तरफ उसका एक झुकाव है।
देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, और अभी मैंने जैसे बताया कि हमारी बहुआयामी संबंध है, रोटी और बेटी का हमारा संबंध है। इसके अलावा जब भी नेपाल के जो जितने ऋषि हैं वही ऋषि आपके हिंदुस्तान में हैं, आपके जितने ऋषि हैं वही ऋषि हमारे नेपाल में, आपके जितने गोत्र हैं वही गोत्र हमारे वहाँ पे हैं, आपके जितने फेस्टिवल होते हैं इंडिया में वही फेस्टिवल हमारे नेपाल में होते हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके हिंदुस्तान में होकर भी हिंदी में काम नहीं होता है, जबकि हमारे नेपाल में आज भी अंग्रेजी में कोई काम नहीं होता। हमारे सरकारी में भी चैत्र वैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन चलता है, हमारे यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं चलता है। हमारे यहाँ एक दो तीन चार तारीख भी चलती है, हमारी चलती प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। तो ये जो हमारे बहुआयामी संबंध है उस संबंध को हम लोग आगे ले जा रहे हैं, और ऐसे संबंधों को कोई चाइना नहीं कर सकता, ना कोई अमेरिका हम लोगों को दूर कर सकता। देखिए आज नेपाल राष्ट्र ये महसूस कर रहा है कि नेपाल के विकास में मारवाड़ों का बड़ा सहयोग है, ये नेपाल की पूरी जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है, नेपाल की सरकार है उस चीज़ को महसूस कर रही है। देखिए 42% जो बिजनेस है हमारा नेपाल का वो इंडिया का है, और 58% में पूरा वर्ल्ड है। जिस कंट्रीज़ का 42% बिजनेस हो उस कंट्रीज से हम कैसे अलग हो सकते हैं? तो ये हमारे बहुआयामी संबंध है, और भारत के शास्त्रों में लिखा हुआ है, और हमारे बुजुर्ग भी ये कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में चार धाम करो, लेकिन जब तक पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं करेंगे तब तक वो अधूरी रहेगी। तो आपको एक ना एक दिन तो आपको काठमांडू नेपाल में पशुपतिनाथ के यहाँ धाम पे आना ही होगा। दूसरी जो हमारी परंपरा है, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि देखिए जैसे मैंने बताया कि हमारा रोटी और बेटी का समय, माता सीता हमारे वहाँ की है इस चीज़ को तो हम मानेंगे, और भगवान श्री राम आपके यहाँ के हैं। इस हिसाब से अगर हम रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं, सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, तो हम नेपाल आपका ननिहाल हुआ, हम आपके मामा हुए। तो ननिहाल तो आपको आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम जब पढ़ते थे तब हम लोग बड़े इंतजार करते थे गर्मी की छुट्टियों के सर्दियों की छुट्टियों के कि कब छुट्टियां लगे कब हम लोग ननिहाल जाएँ। तो आज आपके ननिहाल के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप नेपाल आइएगा और देखिए वहाँ पर हमारा जो आत्मीयता है। आत्मीयता के लिए मैं कहूँगा कि आपको कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, और आप जैसे हमारे यहाँ बॉर्डर में जाएंगे आप हमको 100 रुपये दोगे हम आपको 160 रुपये देंगे। ये हमारे संबंध है, ये हमारे बहुआयामी संबंध है। तो आप आइएगा, हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, और आज जो विशेष 50 प्रतिभाओं को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं क्या है उनके विशेष मैं ये बताना चाहूँगा कि 24 अप्रैल को हमारा एक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक शिष्टाचार भेंट हो रही है, जिसमें हमारे नेपाल के जो अभी वर्तमान जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब बने हैं वो भी उसमें आ रहे हैं। तो हमारे जो पूर्व प्रतिभाएं हैं अब तक 35 साल में जिन जिन प्रतिभाओं ने हम आत्मीयता से इस मंच को आगे बढ़ाया है, उन प्रतिभाओं के साथ हम लोग रात्रि भोज में हम उन प्रतिभाओं को हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं, जिसमें जेंट्स का हम लोग करीब हमारे साथ फाइनल हो चुके हैं, महिलाओं को भी हम लोग उसमें चयनित कर रहे हैं। तो आज 50 प्रतिभाओं को हम लोग विशेष इस दिवस पर आमंत्रित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका जो प्रस्ताव है वो हम लोग विदेश मंत्रालय को भेजेंगे, हमारी नेपाल सरकार को भेजेंगे, और जैसा हमारा निर्धारित कार्यक्रम होता है दोनों राष्ट्रों के बीच में रात्रि भोज का जो कार्यक्रम होगा हैदराबाद हाउस में या ताज होटल में, तो उसमें आप लोग आमंत्रित होंगे। आपके जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा आपके पास निमंत्रण आएगा, क्योंकि पिछली बार भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पर, तो रात्रि भोज के आयोजन में हमने राजस्थान से 5 व्यक्तियों को विशेष आमंत्रित किया था, तो उन्हें विदेश मंत्रालय द्वारा ही निमंत्रण कार्ड जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सुनहरा अवसर भी आप लोगों को प्राप्त हो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे रिलेशन हैं, और भारत की जो आज बॉर्डर है वहाँ पर जो सुरक्षा है वो पूरा गोरखा बटालियन का है। देखिए उस गोरखा बटालियन में एक भी राजपूत नहीं है, एक भी सिख नहीं है, एक भी जैन नहीं है, एक भी ब्राह्मण नहीं है, पूरे नेपाल के युवा है। जो राष्ट्र आपके राष्ट्र की सुरक्षा में अपना जीवन दान दे रहा है, अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, वो राष्ट्र आपसे कैसे अलग हो सकता है? इसलिए ये ब्राह्मण नहीं आए, क्योंकि अभी प्राकृतिक आपदा हमारे यहाँ आई थी नेपाल में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जो बोला साहब थे उनको भी ये मालूम नहीं था कि हमारे यहाँ बाढ़ आ चुका है।
भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन करके बताया कि आपके नेपाल में बाढ़ आ चुका है। और जब तक दोनों प्राइम मिनिस्टरों के यहाँ बात होती है, चार मिनट पाँच मिनट जो भी टाइम लगता है, देखिए भारत से जो सुविधाएँ जाने वाली थी, हेलीकॉप्टर, खाद्य सामग्री, सैनिक, रेड क्रॉस, जो भी जाना था वो पहुँच चुका था। तो भारत मतलब दुख नहीं देख सकता है नेपाल का, छींक आने पर भी सबसे पहले भारत नेपाल के लिए तैयार रहता है। ऐसा नेपाल भारत से अलग कैसे हो सकता है? इसलिए जो हमारे बहुआयामी संबंध है, उस आयामी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम आप लोगों का नैतिक समर्थन देना चाहते हैं। इसमें आपका नैतिक समर्थन दीजिए, क्योंकि हर मिशन को, हर उद्देश्य को पूरा करने के लिए मातृशक्ति की बहुत आवश्यकता है, ऐसा शास्त्र कैसे हैं। और ऐसा हमको पढ़ने में मिला है कि हर सफलता के पीछे एक शक्ति का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप नेपाल राष्ट्र के मिशन एडवाइज़र के रूप में आप आमंत्रित हैं। आप अपने कलेक्टर के माध्यम से एक ऐसा प्रस्ताव भेजें जिसमें भारत और नेपाल के लिए आप काम कर सकें। हमारे नेपाल सरकार की ओर से हम लोग आपको विजिटिंग, आपको जो आई कार्ड है और जो भी लेटर है मिशन एडवाइज़र का, वो हम लोग बनाएंगे। जैसे मैंने अभी आपके बीच में चर्चा की कि मुंबई से आए हैं हमारे मिशन एडवाइज़र हैं ऑफिस से, ये पिछले 10 सालों से हम लोगों को स्नेह सहयोग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हर कार्यक्रम में आ रहे हैं। और आप पे हमारे जो राष्ट्रपति मोदी आए थे यहाँ पे, उनके साथ लंच भी आपने किया है, विदेश मंत्रालय के द्वारा आपका निमंत्रण भी वहाँ पर दिया था। माननीय मैडम है, मक्कर मैडम है, पिछले 8 सालों से इस मंच को आत्मीयता से आगे बढ़ा रही है, पवित्र भावना से हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है। तो ये हमारे ऑफिस के जो हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके मिशन एडवाइज़र हैं। और अभी हम लोगों ने इनकी जो सेवाएँ देखी पिछले 2 साल से, मिशन एडवाइज़र का जो काम कर रहे हैं, और इन्होंने भारत और नेपाल के संबंध में जो काम किया है, इसको देखते हुए हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे, फॉर्मर डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो बहादुर जी रायना साहब, उन्होंने अपना एडवाइज़र के रूप में इनको एक प्रस्ताव भेजा है। और आगामी 1 अप्रैल से ये वहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, तो बहादुर जी रायना साहब, उनके सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में ये भारत में काम करेंगे। और भारत और नेपाल के जो उद्देश्य हैं, जो मिशन हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। इसका जो श्रेय है वो भी मातृशक्ति को जाते हैं। आप लोगों को शुभकामनाएं जाते हैं। और इस बीच में बताना चाहूँगा कि देखिए, जो मुझे जो सम्मान मिला, मुझे जो आशीर्वाद मिला नेपाल सरकार ने, पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा अवसर है, पहला ऐसा उदाहरण है जो अदर कंट्रीज में किसी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का स्पेशल एडवाइज़र अन्य कंट्रीज का कोई बना हो। हर कंट्रीज में वहाँ के लोकल ही एडवाइज़र बनते हैं, वहाँ के वकील बनते हैं, वहाँ के जो भी शिक्षाविद होते हैं वो उनके एडवाइज़र होते हैं। लेकिन ये पहला उदाहरण है जो डॉक्टर जो हमारे परमानंद झा साहब ने, उन्होंने पहली बार 2010 में बनाया। और आज इस परंपरा को निभाते हुए नेपाल राष्ट्र मेरे को अभी सम्मान दिया हुआ है। अभी आगामी 15 दिन में हमारे फिर चेंज हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमको ऐसी आशीर्वाद दें ताकि आने वाला उपराष्ट्रपति महोदय भी हम लोगों को सम्मान के रूप में इस भारत को सम्मान दें और स्पेशल एडवाइज़र के रूप में हमारा नियुक्ति पत्र दें। आज ये रही हमारे भारत और नेपाल के संबंध की बात। दूसरा आम मैं बताना चाहूँगा कि भारत उपन वैदिकालीन जब गुरु के आसन पर होता था, क्योंकि भारत विश्व गुरु रहा हुआ है और विश्व गुरु के रूप में पूरा विश्व इस चीज़ को महसूस करता है कि विश्व में अगर शांति बनाना है तो भारत को सुरक्षा परिषद में सम्मिलित करना होगा। देखिए 1945 में जब यूएनओ जब बना था, तब 5 राष्ट्रों को वीटो पावर मिला गया था और 5 राष्ट्रों में भारत नहीं है, जबकि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य में सम्मिलित है। उस समय 1945 में परिस्थितियाँ ये थी कि वहाँ पे केवल 53 जो कंट्रीज थे वो इसके सदस्य हैं, आज 193 जो लोकतांत्रिक देश हैं वो इसके सदस्य हैं। जिन 5 वीटो पावर दिया गया था उसमें चाइना हमारा एशिया का नेतृत्व करता है। हमारा दुर्भाग्य है कि देखिए, हम 1947 में आज़ाद हुए थे और चाइना 1949 में आज़ाद हुआ था, तो हमसे जूनियर एशिया का नेतृत्व चाइना कर रहा है, जबकि भारत की जो सभ्यता और जो संस्कृति है वो एशिया के सभी देशों से मिलती जुलती है, जबकि चाइना की जो सभ्यता और जो संस्कृति है वो केवल 4 या 5 कंट्री से मिलती जुलती है। तो हम ये चाहते हैं कि 1945 का जो डर्रा है उसको बदला जाए और एशिया का नेतृत्व भारत को दिया जाए। चाइना को भी उस समय वीटो पावर नहीं मिला गया था, एक पॉलिसी के द्वारा उसको दिया गया था,
हमारे तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने कहा चाइना हमारा भाई है, और उस टाइम एक ताइवान को मिला हुआ था उससे उनके पॉलिसी के द्वारा उन्होंने दिया था। और आज हम हर पैरामीटर पर जो शिक्षा परिषद के जो पैरामीटर है उस पर हम लोग खड़े उतरते हैं। देखिए जनसंख्या के आधार पर हम लोग दुनिया में सेकंड नंबर पर हैं, चाइना के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है। शांति के अब तक हम लोगों ने 1945 से अब तक 70 सालों में हमने कभी भी किसी पे आक्रमण नहीं किया, ये पूरा वर्ल्ड भी मानता है, ये इतिहास भी इस चीज़ को महसूस कर रहा है। और हिंदुस्तान वो राष्ट्र है जिसने प्रथम विश्व युद्ध में 14 लाख जवानों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई थी, और ये 14 लाख के जवानों ने जिंदगी दांव पे लगाई थी जिसमें 75,000 शहीद हुए। ये भारत को आज़ादी के लिए इतनी बड़ी हमारी कुर्बानी नहीं थी बल्कि विश्व में शांति बनाने के लिए हमने इतना बड़ा योगदान दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 15 लाख जवानों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई जिसमें 50,000 हमारे शहीद हुए, ये हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर विश्व में शांति बनाना है तो भारत को इसमें सम्मिलित करना होगा। देखिए 2010 में जब 500 राष्ट्रों को वीटो पावर मिला हुआ है तब वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वहाँ के शासनाध्यक्ष हैं, वो हमारे हिंदुस्तान आए थे। और हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष हमारे यहाँ पे विजिट पे आता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ या हमारे राष्ट्रपति के साथ एक शिष्टाचार भेंट होती है। तो 2010 में उस शिष्टाचार भेंट में सभी 500 राष्ट्रों ने ये कहा था कि अगर विश्व में शांति बनाना है तो भारत को सम्मिलित करना होगा और भारत इसका हकदार है। तब हमने ये महसूस किया नेपाल और भारत में कि जब ये 500 राष्ट्रों को वीटो पावर मिला हुआ है और ये भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि भारत की इतनी शक्ति है कि अगर विश्व में शांति बनाना है तो भारत को इसमें सम्मिलित करना होगा, तो क्यों ना हम लोग हमारे जो NRI है, हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनको हम प्रेरित करें और भारत सरकार के माध्यम से जो हमारी शक्ति है वो हम जीवन तक हम लोग पहुँचाएँ। और आज मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा और इस सम्मान में आप उन राष्ट्रों के प्रति आप सम्मान जाहिर करेंगे ताली बजाकर, उन 20 राष्ट्रों के सम्मान में जिन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए ये कहा है, अपना राष्ट्र ध्वज देते हुए ये कहा है कि भारत इसका हकदार है और भारत को इसमें सम्मिलित करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच को उन्होंने अपना फ्लैग, देखिए उन 20 राष्ट्रों ने जो नैतिक समर्थन दिया है भारत के परिप्रेक्ष्य में, जिस राष्ट्रध्वज के लिए लोग बाग शहीद हो जाते हैं, मर जाते हैं, मिट जाते हैं, वो राष्ट्रध्वज आपकी संस्था को आपको मिला है। इतना बड़ा हम लोगों ने नैतिक समर्थन, 20 राष्ट्रों का हमने नैतिक समर्थन प्राप्त कर चुके हैं अब तो, इसका श्रेय भी हम लोग आपको देते हैं, मातृशक्ति को हम लोग देते हैं। वो जो 20 राष्ट्र है वो हमारे बुकलेट में भी है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अफगानिस्तान, कोटिया, इराक, नीदरलैंड, राय, डेनिस, अल्जीरिया, फिनलैंड, मेटोनिया, नाइजीरिया, तुनिसिया, एंगोला, फिनिस, इसराइल, नावेजियन, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, मोरक्को, रोमानिया और भूटान, इन्होंने हमको पत्र लिखा है अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच को। और पत्र के साथ साथ उन्होंने फ्लैग दिया है कि जब भी आपका अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होता है आप हमारे राष्ट्रध्वज लगाइए, हमारा नैतिक समर्थन है, क्योंकि भारत को अगर वीटो पावर मिलेगा तो सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो हम लोगों को मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने इतना बड़ा जो है हमने हमारी जो भारत सरकार है उनको हमने कहा है और उनको भारत सरकार को हमने कहा है कि बहुत जल्दी हम लोगों को वीटो पावर मिले। और हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं इनके कार्यकाल में अगर हमारे को वीटो पावर मिलता है तो देखिए किसी के भी माध्यम से मिले, लेकिन 2010 से जो अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच इसकी पहल कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच से जो जुड़े हुए लोग हैं जो पवित्र भावना से इसको आगे बढ़ा रहे हैं उन लोगों को ये सारा जो है वो श्रेय जाएगा। हम विदेशों में जाते हैं, अभी 20 राष्ट्रों में हम लोग जा रहे हैं, 7 राष्ट्रों में हमारे ऑफिस हैं और हमारी जो शक्ति है हम उनको बताते हैं कि देखिए 1945 में जब UN जब बना था और सुरक्षा परिषद का जब गठन किया था तब सबसे पहले जो पंचशील जो सिद्धांत थे वो भारत के थे, कि भारत ने अपने 5 सिद्धांत उन्होंने पूरे विश्व को दिए थे कि अगर आपको शांति बनाना है तो इस पंचशील सिद्धांत पे आपको चलना होगा और वो 5 सिद्धांतों को उन्होंने मान्यता प्रदान की है, पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को महसूस कर रहा है। और अभी जो योगा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जो योगा दिवस हम जो मनाते हैं, इसका प्रेरणा स्रोत भी हमारा हिंदुस्तान ही, कि पूरे वर्ल्ड को ये महसूस कराया कि भारत भी एक शक्तिशाली एक देश है। देखिए हम जहाँ जहाँ जाते हैं
वहाँ पे हमारी जो भारत की शक्ति है वो हम नेपाल की तरफ से बताते हैं। देखिए भारत की जो शक्ति है, राष्ट्र की जो शक्ति है वो है ऊर्जा, आबादी, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी। इसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और अभी 136 विकासशील देशों में हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। देखिए सेटे जो क्षमता है हमारी वो हमारे सातवें पायदान पे, सातवें स्थान पे हम लोग, और ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग 20वें स्थान पे हैं और विदेशी मामला में हम 11वें पायदान में हैं। और पांचों राष्ट्रों को जो स्थायी सदस्यता मिली हुई है वो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो हम चाहते हैं हमारा जो अभियान चला रखा है हम लोगों ने, इस कैंपेन को आप नैतिक समर्थन दें। और हम लोग अभी एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, 1 मई को भूटान में जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समिति दिवस है, और ऑल इंडिया लेवल से हम लोग 150 लोगों का भी एक डेलीगेशन बना रहे हैं। तो आप अगर भारत का परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे यात्रा करना चाहते हैं तो आप मोस्टली वेलकम है। आप अपना प्रस्ताव हमारे मंच कार्यालय को दे दें या अपने कलेक्टर के माध्यम से भी आप वहाँ भिजवाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति महोदय से भी आपको शिष्टाचार भेंट कराएंगे। अभी हमारे नेपाल में 2010 से जब जब भी यात्रा गई है तो हर डेलीगेशन का सदस्य वहाँ के राष्ट्रपति से मिल के आ रहा है, वहाँ के उपराष्ट्रपति से मिल के आ रहा है। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं फुलेरा साहब, ये उनके सानिध्य में हम लोग वहाँ पे यात्रा पर गए थे। आप भी वहाँ के राष्ट्रपति से मिल के आए हैं, वहाँ के उपराष्ट्रपति से मिल के आए हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के आए हैं। और देखिए इनको तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे जो अभी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं कुछ टाइम, ऐसी चर्चा है, जलनाथ सिंह लाल साहब, उनकी मैडम ने तो खुद ने चाय बनाकर इनका स्वागत किया है। और उपराष्ट्रपति जो परमानंद झा साहब हैं वो इनको अगवानी करने के लिए मुख्य द्वार पे आए। तो साहब आप बताइएगा, आप खड़े होकर सम्मान करिएगा नेपाल का। नेपाल ने इतना बड़ा इनका स्वागत किया है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति उन्होंने मुख्य द्वार पे आए, अपना प्रोटोकॉल तोड़ दिया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे नेपाल को आप सम्मान दें और नेपाल की यात्राएँ करें। और हम चाहते हैं कि आप में से ऐसी कुछ विभूतियाँ आए जो हमारे मिशन एडवाइज़र के रूप में हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में दें, और जब भी हमारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ाएं। आज इस अवसर पर आप सभी को मैं एक संदेश देना चाहूँगा नेपाल राष्ट्र की ओर से कि आप भारत और नेपाल की वैदिककालीन संस्कृति को आगे बढ़ाने में, पुनरुत्थान करने में आपका सकारात्मक सोच, आपका नैतिक समर्थन और आपका जो अनुभव है वो हमारे नेपाल राष्ट्र को आप दें। 2017 में आप हमको एक प्रेजेंटेशन दे दें, आपके भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसके माध्यम से हमारे नेपाल गवर्नमेंट को हम लोग भेजेंगे और विशेष सम्मान के लिए भी हम लोग आपको नेपाल में हम लोग आमंत्रित करेंगे। आज अभी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, कई प्रतिभाओं से प्रतिभाओं ने यहाँ पे अपने विचार भी रखे, हमारे सरपंच साहब ने भी अपने विचार रखे। ये उभरते सूरज हैं, उभरते चेहरे हैं, राष्ट्र निर्माता हैं। हम इस पर से कामना करते हैं कि आपके जो भी मिशन है, राजनीतिक मिशन है, उसमें आप आगे बढ़ें और जहाँ भी हम लोगों का जो अनुभव का आपको जरूरत पड़े उसमें आप हम लोगों की मदद करें। और आप में जो व्यवसायिक क्षेत्र से अगर हमारे नेपाल में आप आमंत्रित कर रहा हूँ मैं आपको कि आप व्यवसायिक क्षेत्र में वहाँ पे आना चाहते हैं तो नेपाल राष्ट्र की ओर से, नेपाल सरकार की ओर से पूरा आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपका पूरा प्रोत्साहित के रूप में सम्मान के साथ आपके बिजनेस को हम लोग देखेंगे। एजुकेशन सेंटर के रूप में अगर आप वहाँ पे एजुकेशन सेंटर खोलना चाह रहे हैं, वैदिककालीन विश्वविद्यालय अगर आप खोलना चाह रहे हैं तो आपको जो भी आपको हमसे नेपाल राष्ट्र से, नेपाल गवर्नमेंट से जो चाहिए उसके लिए मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि आप वहाँ पे आइए। आयुर्वेदिक के लिए हम डॉक्टर साहब ने भी पहले भी अपने कहा था, इनको डॉक्टर साहब एक प्रस्ताव बना रहे हैं, हमारे डॉक्टर फुलेरा से आए हुए हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने भी एक प्रस्ताव बना रहा है कि हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं, इनका भी एक मानस है कि नेपाल में हम लोग हर्बल का एक इनके वहाँ पे प्रोजेक्ट डालना चाह रहे हैं। तो हम आप सबके सानिध्य में इनको भी आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि जहाँ भी आपको नेपाल राष्ट्र की जरूरत पड़ेगी हम पूरा समर्थन, पूरा सहयोग आप लोगों के प्रोजेक्ट के लिए हम लोग आपको देंगे। इसके अलावा आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ प्रोटेक्शन चाहिए या वहाँ का मार्गदर्शन चाहिए तो आप ऐसे वहाँ पर हमारे कई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके बीच आप बहुआयामी संबंधों को आगे बढ़ाते हैं, उनसे आप शिष्टाचार भेंट करिए, उनके मार्गदर्शन लीजिए, उनसे आप सलाह लीजिए और जहाँ भी आपको जरूरत पड़ती है तो उनका मार्गदर्शन लीजिए। इसके लिए जब भी आप हम लोगों को आदेश देंगे हम लोग आपका पूरा समर्थन करेंगे, पूरा आपको सहयोग करेंगे। तन मन धन पवित्र भावना से हम लोग आश्वस्त करते हैं कि आप नेपाल आइए, जो भी प्रोजेक्ट लेके आएंगे उस प्रोजेक्ट को हम लोग सम्मान के साथ देखेंगे। और आज बड़ा खुशी का दिन है, आज मैं आप लोगों के बीच में घोषणा करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं स्वर्ग बहादुर की राय, उनके आप दोनों
जो है वो सांस्कृतिक एडवाइजर के रूप में हम इंडिया में मनोनयन कर रहे हैं, और कल मैं नेपाल जा रहा हूँ, आपका प्रस्ताव लेके जा रहा हूँ। हमने इनका अप्रोवल विदेश मंत्रालय से भी अप्रोवल करवा चुका है, वहाँ के जो इनके जो लुधियाना जो डिस्ट्रिक्ट बजटेट होता है वहाँ से भी हमने इनका अप्रोवल लिया है। तो इस तरह कि आपकी कोई भावना है कि आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास समय है, समय के साथ 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 आपको खर्च करने के लिए भी आपके पास अगर धन है, क्योंकि आने जाने के लिए तो पैसे की जगह पैसा ही काम करेगा, क्योंकि हमारे सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो 100% वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आयोजन करते हैं। तो आप भी अगर उसमें एडवाइज़र के रूप में आप आगे आना चाहते हैं तो आप अपना नाम, मैं आज वहीं पंजाब हाउस में रुका हूँ, कल मैं नेपाल जाऊँगा, आप अपना प्रस्ताव आईडी प्रूफ अगर हम लोगों को दे दें, हमारा प्रयास रहेगा कि आपका अप्रोवल हम वहाँ से कराएँ, विदेश मंत्रालय से कराएँ। अगर आपके पास डीएम के थ्रू अगर आपके पास प्रपोजल आता है तो उसका आप सम्मान करें और भारत और नेपाल के बीच आप काम करें। थैंक यू। जय भारत, जय नेपाल।